heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. From thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. मैं आपकी बात को एक सेकंड में मिलाता हूँ। आई एम पबजी, मैं आज की युवाओं की जान हूँ। आई एम गूगल और मैं इन सब का बाप हूँ। पापा आप मुझे नया फोन दिला दीजिए। मेरी क्लास टीचर का फोन आया था, वो कह रही थी कि तुम्हारी ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी। अरे बेटा, तुमने हमारी घर की कंडीशन देखी है, कितनी खराब है। और एक महीने से लॉकडाउन लगा हुआ है और तुम्हें एक नया फोन चाहिए। और अभी हमने तुम्हारे स्कूल में 13,000 का वो एडमिशन फी भरा, और अब क्या कर दें हम। एक तो वैसी मेरी नौकरी नहीं है लॉकडाउन में, और कमाने वाला भी कोई नहीं है, हम ही अकेले हैं कमाने वाले। पापा मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप कभी मेरी बात नहीं मानते, कभी मुझे कुछ नहीं दिलाते, मुझे आपसे नहीं बात करनी। अरे बेटा सुनो तो, मेरी बात तो पूरी सुनो। सुनिए, हमें अपने बच्चे को मोबाइल दिला देना चाहिए। वैसे भी वो मोबाइल अपनी स्टडीज़ के लिए ही तो मांग रहा है, और स्टडीज़ तो वैसे भी उसकी फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हमें उसको मोबाइल दिला देना चाहिए। तुम्हारी भी बात सही है, लेकिन तुमने आजकल के बच्चों को देखा है, फ़ोन मिलते ही अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और वो जो है नया आजकल चल रहा है बच्चों को बिगाड़ने के लिए, टिकटॉक है, पबजी है, और बहुत सी चीज़ें हैं जो नेट में आती हैं, उल्टी सीधी चीज़ें, उससे बच्चे बिगड़े आते हैं। लेकिन तुम इतना मुझे फोर्स कर रही हो, तो मैं कहीं से उधारी करके अपने बेटे को फ़ोन दिला दूंगा, लेकिन वो पढ़ाई करे। रोहन बेटा देखो क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। अरे देखो तो, मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन लेकर आया हूँ। अरे मेरा नया फ़ोन, थैंक यू पापा। अरे भाई नया फ़ोन कब लिया? हाँ भाई कल ही लिया है नया फ़ोन। एक नया गेम आया है पबजी भाई, तो डाउनलोड कर ले, रात रात पर साथ में खेलेंगे। ठीक है भाई, अभी डाउनलोड करता हूँ। भाई बढ़िया गेम है ये तो। तुमने इंस्टाग्राम के बारे में सुना है? नहीं भाई, ये क्या होता है? ये एक सोशल मीडिया ऐप है, इस पे तुम किसी को फॉलो कर सकते हो, रील फोटो पोस्ट कर सकते हो। ठीक है भाई, अभी डाउनलोड करता हूँ, ये तो बड़ी मस्त ऐप लग रही है। भाई तुमने मोबाइल में फेसबुक डाउनलोड करी या नहीं करी? ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, इसमें आप फोटो क्लिक करके अपलोड कर सकते हो और नए नए फ्रेंड बना सकते हो ऑनलाइन। ठीक है भाई, अभी डाउनलोड करता हूँ, ये भी अच्छी ऐप है। और भाई नया फोन में पबजी कैसा चल रहा है? बहुत मस्त चल रहा है पबजी। रोहन रोहन रोहन, तुम मुझे सुन रहे हो? तुम्हारी क्लासेस की टाइमिंग क्या है? रुको मैं अभी तुम्हारी टीचर से पूछती हूँ। जी मम्मी, मेरी क्लासेस की टाइमिंग 10 से 4 है। ठीक है बेटा, मोबाइल रखो और अपनी पढ़ाई करो। रोहन बेटा, पूरा दिन मोबाइल चलाओगे? सुबह से गेम ही खेलने जा रहे हो, कुछ पढ़ो लिखोगे नहीं? क्या तुम्हारा वर्क कंप्लीट है सारे सब्जेक्ट्स में? ना कुछ खाते हो, ना पीते हो, ना अपने रूम से बाहर निकलते हो, पूरा दिन मोबाइल ही चलाते रहते हो, और कुछ काम नहीं करना तुम्हें अपना? जी मम्मी, मैंने आपको बताया तो था मेरी क्लासेस की टाइमिंग 10 से 4 है, मैं अभी अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, मोबाइल रखो और अपनी पढ़ाई करो। हेलो, गुड मॉर्निंग रोहन बेटा। बेटा क्या आप अपनी अटेंडेंस लगा रहे हैं रोज़? क्या आप अपनी क्लासेस रोज़ अटेंड कर रहे हैं? बेटा मैम ने ऑर्डर दिया है कि आप अपनी सारी नोटबुक्स स्कूल ऑफिस में मंडे को आकर सबमिट कर दीजिएगा, ओके? हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। यस मैम, ठीक है मैम, मैं ले आऊँगा ऑफिस में नोटबुक सारी। ओके मैम, मेरा तो वर्क ही कंप्लीट नहीं है, किससे वर्क मांगूं? चलो ठीक है, सक्षम से वर्क मांगता हूँ। हेलो हेलो, हाँ रोहन बताओ।
भाई तुम्हारा वर्क कंप्लीट है? परसों अपनी नोटबुक चेक होंगी। नहीं यार, वर्क तो मेरा भी कंप्लीट नहीं है और क्लास टीचर का फ़ोन तो मेरे पास भी आया था। चलो फिर कोई बात नहीं, ठीक है भाई, सक्षम का तो वर्क भी नहीं कंप्लीट है। चलो अभिनव को कॉल करता हूँ, उसका वर्क कंप्लीट होगा। हेलो अभिनव। हेलो रोहन। हाँ बताओ क्या बात है। भाई तुम्हारा वर्क कंप्लीट है? परसों अपनी नोटबुक चेक होंगी। मेरा वर्क कहाँ से कंप्लीट होगा, हम खुद तुम पे डिपेंड थे। चलो फिर कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अरे वाह, मेरा बेटा आज पढ़ाई कर रहा है। चलो पढ़ो अच्छा, इसी मन लगा के मैं भी तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। मम्मी मम्मी मम्मी। जी बेटा बोलिए। मेरी नोटबुक्स आज स्कूल में चेक होंगी, आप मेरी नोटबुक सबमिट कराइएगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। ठीक है बेटा, मैं सबमिट कर दूंगी। आई एम रोहन्स मदर, मैम ये रोहन्स की नोटबुक है। गुड मॉर्निंग मैम, लाइए। थैंक यू मैम। अरे ये क्या, रोहन की तो पूरी नोटबुक ब्लैंक है। अब लगता है मुझे इनके पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। गुड इवनिंग रोहन बेटा। बेटा आप अपने पेरेंट्स से मेरी बात करवा दीजिए। हेलो गुड इवनिंग मैम। मैम मम्मी तो मार्केट गई हैं, पापा ऑफिस में हैं। बेटा आप अपने पेरेंट्स पापा का नंबर मुझे दे दीजिए। ओके मैम, मैं अभी आपको अपने फादर का नंबर सेंड करता हूँ। हेलो गुड इवनिंग सर, क्या आप रोहन के फादर बोल रहे हैं? जी नमस्ते मैम, बताइए। सर कल आप रोहन को लेके स्कूल ऑफिस में आ जाइएगा, उनका किसी भी सब्जेक्ट में वर्क कंप्लीट नहीं है। अच्छा अच्छा, तो मैं तो जब जाता हूँ रोहन के उसमें रूम में तो वो तो लिखता रहता है, पढ़ता रहता है हमेशा, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जी जी कल मैं आऊँगा, ठीक है रोहन को लेकर। मे आई कम इन मैम? गुड मॉर्निंग मैम। और ये रोहन, क्या आप अपनी रोज़ अटेंडेंस लगाते हैं? आपका वर्क तो कंप्लीट नहीं है। रोहन तुम्हारा वर्क नहीं कंप्लीट है, पर तुम तो पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते थे और अपना वर्क करते रहते थे, पढ़ते रहते थे, तुम्हारा वर्क कैसे नहीं कंप्लीट है? वैसे मैम रोहन की क्लासेस की टाइमिंग क्या है? रोहन की क्लासेस की टाइमिंग 8 AM to 12 noon है। अच्छा, पर मैम इन्होंने तो मुझे 10 AM to 4 PM बताई थी टाइमिंग क्लासेस की। मैम रोहन के क्लास की टाइमिंग 8 से 12 है और इन्होंने ना अटेंडेंस लगाई है, ना इन्होंने एग्ज़ाम दिया। और उनका फ़ोन चेक करिए, इनके फ़ोन में आपको पबजी फेसबुक इंस्टा ये सब मिलेगा। एक तो आप लोगों ने लॉकडाउन में इन्हें फ़ोन दिलाया और ये फ़ोन का मिसयूज़ कर रहे हैं। रोहन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारी टाइमिंग 10 से 4 है। मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तुलिका वाजपेयी फ्रॉम लीड गवर्नमेंट स्कूल। लीड गवर्नमेंट की कुछ सीनियर स्टूडेंट की तरफ से आज एक ऑनलाइन असेंबली कंडक्ट की गई है जिसका मेन टॉपिक है सोशल मीडिया। इस टॉपिक को लाने का एक मेन उद्देश्य है कि जो आजकल के स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन स्टडीज को छोड़कर डिफरेंट तरीके की एप्स और गेम्स में अपना रुझान ले रहे हैं जो कि गलत है। उसके लिए थ्रू एक हम लोगों ने ऑनलाइन प्ले कंडक्ट किया है जिसमें रोहन नाम का लड़का होता है जो अपने पेरेंट्स से ये जिद करता है कि उसको ऑनलाइन क्लासेस के लिए मोबाइल प्रोवाइड कराया जाए। उसके पेरेंट्स इस लॉकडाउन में कैसे भी अरेंज करके कितनी भी प्रॉब्लम्स को फेस करके एक मोबाइल उसको देते हैं। देने के बाद वो उसका करता क्या है, वो ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग अपने पेरेंट्स को गलत बताता है और अपने फ्रेंड्स जो उसका फ्रेंड सर्कल होता है, जो उसकी सोसाइटी होती है, उनके साथ मिलकर वो डिफरेंट तरीके के ऐप को गेम्स को डाउनलोड करता है और वो दिन रात उसी चीज में लगा रहता है। उसको उसमें इतना इंटरेस्ट आता है कि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस को भी साइड में रख देता और अपने पेरेंट्स की बातों को भी नहीं सुनता। तो इस ऑनलाइन असेंबली को कंडक्ट कराने का और प्ले दिखाने का आपको सिर्फ इतना उद्देश्य था कि स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स ने इस लॉकडाउन में आपको प्रॉब्लम फेस करते हुए मोबाइल दिलाया है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी अपनी ऑनलाइन स्टडीज को दीजिए जो कि आपका फ्यूचर है, जो कि आपका फ्यूचर आपके पेरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है जिनको आपसे बहुत उम्मीदें हैं, ना कि ये पबजी इंस्टा फेसबुक जिनसे सिर्फ आप खराब हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। आपकी आईज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को भी वो डिमोट करता हुआ ले जा रहा है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करते हुए अपनी स्टडीज पे ध्यान दीजिए, जो टाइम